तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। इस ट्रेलर को देखने के बाद विक्रम वेदा के एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि मूवी को हिट बनाने के लिए दो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, एक अच्छे डायरेक्टर का होना और दूसरा आता है एक अच्छे एक्टर का होना। जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने एक्टर की इस भूमिका को निभाया हुआ है ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, पूरा का पूरा जस्टिफाई किया हुआ है विक्रम वेदा के इस एक्ट। मैं आपको बता दूं, जो भी बनाया है ना भाई साहब, एकदम ही औसम बनाया है। मैं आपको बता दूं, ट्रेलर देखने के बाद आपके अंदर से उठ के आता है कि यार कितनी ज्यादा मेहनत करी गई है। और जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करा है ना, एक बात कंफर्म हो जाती है कि एक्टर में क्वालिटी होनी। मूवीज या वेब सीरीज तभी चलती हैं जब भी एक्टर के खुद के अंदर से इंस्पिरेशन बाहर आती है। और ऋतिक रोशन को आपके देखने के बाद इस चीज का तो एहसास हो जाएगा कि यार वो कहीं ना कहीं सैफ अली खान से इसको ना आगे निकले हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन सैफ अली खान भी आपको कहीं ना कहीं सही लगते हैं, बट आप उनको फेस इंस्पिरेशन की फीलिंग्स देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा कहीं आपको लग सकती है। बट आपको बता दें तो उन्होंने अच्छा खासा जस्टिफाई किया हुआ है अपने कैरेक्टर। आपको बता दें तो यार मूवी 30 सितंबर को सिनेमा में रिलीज होने वाली है और आज इस मूवी का 2 घंटे पहले ट्रेलर रिलीज हुआ। लेकिन ट्रेलर देखते ही भाई साहब लग गया मेरे को कि भाई साहब मूवी बवाल मचा देगी, क्योंकि अगर आप ट्रेलर देखते हो ध्यान से ना तो लास्ट टाइम तक आपके मुंह से निकल ही जाएगा कि क्या लाजवाब बनाया है। और ट्रेलर निकालने में भले ही इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, इससे पहले टीजर में कुछ थोड़ी ही चीजें हमको दिखाई गई थी, लेकिन दो चीजें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई इस मूवी के ट्रेलर में कि यार आपने जो भी करा सब कुछ बेस्ट करा, लेकिन एक चीज जो आपने एकदम ही पुरानी ओल्ड टाइप की कर दी वो थी पूरी मूवी की स्टोरी सेम टू सेम रख दी। अगर आप अपने दिल को खोल के इस मूवी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस मूवी के पहले ही इस मूवी का ओरिजिनल लुक जो कि विक्रम वेदा साउथ में रिलीज हुई थी, अगर आपने वो देखा हुआ है तो तभी ये मूवी आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकी। जो भी मूवी बनाई गई है वो सेम टू सेम स्टोरी पे बनाई गई है, मतलब कि ऐसा कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, लोकेशन तक की चीजों को चेंज नहीं किया गया, लोकेशंस में वैसे ही तरीके से इसको शूट करा गया है। लेकिन बस जो चीजें आपको मैटर करने वाली है वो होती है एक्ट्रेस की एक्टिंग में, डायरेक्टर्स की भाई साहब धुआंधार जो आपके वायलेंस वाली चीज़, थ्रिल वाली चीज़ दिखाई हुई है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। प्रीवी कुंग में ही भाई साहब ये वाट लगाएगी सबकी। और इस चीज से कंफर्म हो जाता है कि अगर ऐसी मूवीज बनती ना तो भाई साहब बॉलीवुड कहीं ना कहीं आज कहीं और होता। और इसकी वजह भी बनते हैं ऋतिक रोशन सर, जिनकी पहली और लास्ट मूवी वॉर आई थी आज से 4 साल पहले, उसके बाद से उन्होंने कोई मूवी नहीं निकाली, और जिसकी वजह से ही ये फर्क पड़ गया कि यार क्यों इंडस्ट्री में अच्छी मूवी आनी बंद हो गई है, क्योंकि यार डिजर्विंग एक्ट्रेस ने मूवी बनाना ही इस टाइम पे बंद कर दिया। ये ट्रेलर देखने के बाद भाई साहब पूरा यकीन हो गया कुछ तो बवाल करके जाएगी ये मूवी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।